गुड मॉर्निंग एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम इन आरबीएल पब्लिक स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ शिखा शर्मा, असिस्टेंट टीचर ऑफ आरबीएल पब्लिक स्कूल। स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज फॉर स्टैंडर्ड थर्ड, सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट, चैप्टर नंबर वन, एंड द चैप्टर नेम इज द ग्रोइंग ईयर्स, बढ़ते हुए ईयर्स, बढ़ते हुए साल। नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस चैप्टर, लिसन टू मी केयरफुली। Grandma sat down in the garden and tucked her pallu in. Grandma, you know that grandma, dadi ji. Grandma sat down in the garden. जो grandma थी वो बगीचे में बैठी थी, and tucked her pallu in, और उन्होंने अपने पल्लू को tuck कर लिया था, means साड़ी में दबा दिया था। She then lifted the shining steel vessel and poured oil into her palm. She then lifted the shining steel. उन्होंने एक चमकती हुई स्टील वैसल, मीन्स पतीला या भगोना बोल सकते हैं, उसको उठाया, एंड पोर्ड ऑयल इन ऑन टू हर पाम, और उन्होंने ऑयल को अपने हथेलियों पर लगाया, पार्मिस होता है हथेलियां, एंड बिगिन रविंग इट ऑन बोथ हर हैंड्स, और उस तेल को अपने दोनों हथेलियों पर रगड़ने लगी। नेक्स्ट वॉज द टर्न ऑफ द नाइफ, जो दूसरा टर्न था वो नाइफ का था, चाकू का था। द सेम का नाइफ दैट किचन दैट लुक्ड सो मैंसिंग, मैंसिंग मीन्स होता है डेंजरस, खतरनाक। द सेम नाइफ, वसाई नाइफ दैट लुक्ड सो मैंसिंग, बहुत मैंसिंग था, खतरनाक था, खतरनाक दिख रहा था। वेन इट वॉज लेइंग हार्मलेसली बिसाइड द अदर किचन स्टेंसेस, जो कि किचन में दूसरे बर्तनों के साथ में पड़ा हुआ था। लुक्ड लाइक अ टॉय, एक टॉय की तरह लग रहा था, खिलौने की तरह लग रहा था। इन हर डेप्थ हैंड्स, ग्रैंडमा के हाथों में। द ब्लेड गॉट अ जेनरस कोटिंग ऑफ द ऑयल, जो जो नाइफ का जो ब्लेड था वो उसमें भी ऑयल को लगाया गया। फाइव पेयर ऑफ अविस्ट्रक आइस वॉच्ड हर एवरी मूव, जो फाइव पेयर्स मींस जो फाइव, यहाँ पे फाइव पेयर्स फाइव चिल्ड्रन के बारे में बताया गया है। अविस्ट्रक आइस वॉच्ड हर एवरी मूव, जो जो फाइव चिल्ड्रन थे वो उनके इस मूवमेंट को देख रहे थे, किसके, ग्रैंडमा को। टर्निंग टू मी, मेरे तरफ मुड़ते हुए, द एल्डस्ट शी शेड, जो एल्डस्ट थी शी शेड, उसने कहा, कम आओ, शो मी योर पाम, मुझे अपनी हथेलियां दिखाओ। आई वॉज डम स्ट्रक, मैं स्तंभ था, चुपचाप था। आई कुड नॉट बिलीव, मुझे बिलीव नहीं हुआ। आई वॉज गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ दिस, कि मैं भी इस चीज का हिस्सा बनने वाला हूँ। एट एन एज ऑफ 10, 10 साल की उम्र में, दैट वॉज एन ऑनर इंडीड। आई सडनली फेल्ट ग्रोन अप एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, दैट वॉज एन ऑनर, यह मेरे लिए एक ऑनर था, सम्मान था। आई सडनली, अचानक से, फेल्ट ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया, एंड रेडी टू टेक ऑन द वर्ल्ड, और इस काम को करने के लिए रेडी हो गया। वन होल वीक, एक पूरे सप्ताह, ऑफ ईगरनेस एंड इम्पेशियंस, इस ईगरनेस मीन्स इच्छा, किसी भी चीज को जानने की इच्छा, हैड फाइनली लीड अस हियर, मुझे पूरे एक सप्ते में इस चीज की जो जानने की इच्छा थी, जो वर्क हो रहा था उसको जानने की इच्छा थी, फाइनली मुझे यहाँ तक ले आई। इन दैट लिटिल रूम नियर द वेल, जो कुएं के पास में छोटा सा रूम था, वहां ले आई। वन वीक ऑफ नॉन स्टॉप क्वेश्चंस एंड डाउट्स ऑन व्हेन द राइट टाइम वाज टू कट द जियंट, वन वीक ऑफ नॉन स्टॉप क्वेश्चन, एक हफ्ते के जो नॉन स्टॉप क्वेश्चन थे और डाउट्स थे, कुछ संदेह थे, व्हेन द राइट टाइम वाज टू कट द, कौन से थे, मतलब जो जियंट मैंगो, जियांट मैंगो, जो एक बड़े से आम को काटने का जो एक डाउट था, एक डाउट था, क्वेश्चंस थे, वो मुझे यहाँ तक ले आए। दैट अंकल हैड कैरीड होम वन इवनिंग फ्रॉम द फील्ड्स, जो अंकल थे वो एक इवनिंग, एक शाम को फील्ड से उस मैंगो को लाए। यू डोंट गेट टू सी ग्रैंडमा कट अ मैंगो एवरी डे नाउ, डू यू, क्या तुमने ग्रैंडमा को आम को काटते हुए डेली देखा है, एवरी डे नाउ, अब तुम देखोगे, डू यू, क्या तुमने नहीं देखा। शी मेड मी स्क्वाइट फेसिंग हर एंड आस्क्ड मी टू होल्ड द मैंगो, शी मेड मी स्क्वाइट, उन्होंने मुझे बैठाया फेसिंग हर, उनके सामने, एंड आस्क्ड, मुझसे पूछा,
टू होल्ड द मैंगो स्टडी, उस आम को पकड़ने के लिए. आई वॉज नर्वस, मैं घबरा गया. वॉट इट आई मूव इफ आई मूव, अगर मैं चला जाता या हिल जाता, वुड नॉट द नाइफ फाइंड मी, तो क्या चाकू मुझे नहीं लग जाता. इंस्टीड ऑफ द मैंगो, मैंगो की जगह पे. वॉट इफ माई लेग्स कांट टेक ऑल द स्क्वैटिंग एंड आई स्लिप, अगर मैं सही से नहीं बैठ सकता और मैं स्लिप हो जाता. वॉट इफ द ऑयल मेक्स माई हैंड्स लूज देयर ग्रिप, तो क्या मेरे हाथ ढीले नहीं हो जाते. वॉट वाइल दीज क्वेश्चन वर किकिंग अप अ स्टॉर्म, ये सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में स्टॉर्म ला रहे थे, तूफान ला रहे थे. इन माई लिटिल हेड, मेरे छोटे से सिर के सिर में जो दिमाग था उसमें ये सारे क्वेश्चन तूफान मचा रहे थे. द बिगेस्ट ऑफ देम ऑल केम अप, जो सबसे बड़ा था उस वो कौन सा क्वेश्चन था जो मेरे माइंड में आया. वॉट इफ आई लूज कंट्रोल एंड ग्रैंडमा गेट्स हर्ट, अगर मैं अपना कंट्रोल खो दूं और दादी माँ को चोट लग जाए तो. आई थिंक शी रीड माई माइंड दैट डे, आई थिंक मुझे लगता है कि उन्होंने मेरा दिमाग उस दिन पढ़ लिया था. शी लुक्ड मी इन द आई, उन्होंने मेरी आंखों में देखा एंड सैड, और कहा नाउ नाउ डोंट बी स्केयर्ड, अब मत डरो, जस्ट होल्ड इट द वे, इसको ऐसे पकड़ो. आई शो यू, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि कैसे पकड़ना, एंड इट विल बी फाइन, और सब ठीक होगा. होल्ड इट हेयर, उसे इसको यहाँ पकड़ो, लाइक दिस, इस तरह. एंड शी और शी शोड मी हाउ टू होल्ड द जियांट मैंगो दैट प्रोबेबली वेटेड एज मच एज आई डिड, कि और उन्होंने मुझे ये दिखाया कि इस बड़े से आम को कैसे पकड़ना है और किस तरह से पकड़ना है. द नाइफ स्लाइस्ड थ्रू द कोर्स स्किन, स्टूडेंट्स नाउ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.